कॉन्सेप्ट है फेसिंग पॉइंट और ट्रेलिंग पॉइंट का, ठीक है। अगर गाड़ी इस तरह से यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, इससे गुजरने वाली है, तो इसको हम कहेंगे ये फेसिंग पॉइंट है। ये फेसिंग पॉइंट बेसिकली यूज़ होता है कि आपकी गाड़ी का रूट सिलेक्ट करने के लिए कि आप गाड़ी कौन सी लाइन पर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंटरलॉक ये पूरा लगा हुआ है, जो ऊपर केबिन है वहाँ से कंट्रोल होगा। अब इस पोजीशन में आप थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पे गैप है और यहाँ पे गैप नहीं है, यानी अगर गाड़ी को हमने सीधा लेके जाना है तो इस पोजीशन में ये लॉक्ड होगा, और इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो आएगी वो इस रेल पे चली जाएगी और यहाँ से गैप, चूँकि गैप है तो इसी रेल पे चली जाएगी, और इन रेल को आप देखेंगे तो ये रेल दोनों सीधे जा रही है तो इसलिए गाड़ी सीधी चली जाएगी। लेकिन अगर आपको गाड़ी को डाइवर्ट करना है, इस लाइन पर डाइवर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, केबिन में से इस फेसिंग पॉइंट को यहाँ पर सेट एंड लॉक कर देंगे। जब आप यहाँ पर सेट एंड लॉक कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो गैप अभी इधर है वो उस साइड पे आ जाएगा, तो आपकी गाड़ी क्या होगी, बजाय इस रेल पे मूव करने के इस रेल पे मूव करने लगेगी, और इस रेल को अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो ये वाली रेल जो है ये सीधी नहीं जा रही, ये डाइवर्ज कर रही है और आपकी ट्रेन डाइवर्ज हो जाएगी। सिंपल कंसेप्ट इसका ही है।